नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। अक्सर चुनावों के दौरान रैली करने वाले नेता राजनेता कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, जैसे जनता का उनसे बड़ा हमदर्द कोई है ही नहीं, बस उन्हें एक बार चुन लिया जाए तो वो सारी परेशानियां खत्म कर देंगे। ये नेता जब चुने जाते हैं तो उसी जनता की परेशानी दूर करना तो बहुत दूर की बात है, सुनना भी गवारा नहीं समझते। हद तो तब हो जाती है जब फरियाद लेकर गए किसी शख्स के साथ अभद्रता तक कर दी जाती है। मतलब जैसे किसी की जान का, किसी की इज्जत का इन नेताओं की नजरों में कोई मोल है ही नहीं। ऐसा ही दिल को झकझोर देने वाला मामला यूपी से सामने आया है। एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो जनता दरबार के दौरान खुद खड़े रहते हैं और फरियादियों को कुर्सियों पर बैठाकर उनकी फरियाद सुनते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं, जो दिव्यांग फरियादी को लांघकर निकलने में भी गुरेज नहीं करते। स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, हालांकि फिलहाल वो योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री हैं। स्वतंत्र देव सिंह कुशीनगर में किसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए गए थे कि तभी उनके पास एक दिव्यांग फरियादी आया। फरियाद सुनाते सुनाते दिव्यांग वहीं पर गिर पड़ा। मंत्री जी ने आओ देखा ना ताओ उस दिव्यांग को लांघकर चलते बने, दिव्यांग वहीं पर पड़ा रह गया। अब चूंकि वहां पर मीडिया के कई सारे कैमरे मौजूद थे तो उन्होंने मंत्री जी की इस हरकत को कैमरे में कैद कर लिया और उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को अखिलेश तिवारी ने शेयर करते हुए लिखा, कुशीनगर में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से फरियाद करते समय जमीन पर दिव्यांग गिर गया, बावजूद इसके बिना फरियाद सुने ही मंत्री जी चले गए। वीडियो में भी मंत्री जी दिव्यांग को लांघते हुए दिख रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर ऐसा वीडियो आया तो यूजर्स भड़क गए। एक यूजर ने लिखा, कितने बेशर्म होते हैं मंत्री, जनता की सेवा के लिए मंत्री बनाया जाता है लेकिन ये तो बेवकूफ बनाकर बेशर्मों की तरह निकल लेते हैं। एक यूजर ने लिखा, इसी को कहते हैं कथनी और करनी में अंतर, भाषण ऐसे देते हैं मानो उनसे बड़ा सहृदय कोई नहीं और मौका पड़ने पर ऐसे ही पीठ दिखा जाते हैं। एक और यूजर ने लिखा, कितने शर्म की बात है, इन मंत्री महोदय को समझना चाहिए, जनता से ये है, इनसे जनता नहीं है, जिस जनता ने इन्हें सराखों पर बिठाया वो उतार के फेंक भी सकती है। मेरी विनती है पीएम और सीएम से इस मामले का जरूर संज्ञान लेना चाहिए, 2024 ज्यादा दूर नहीं है। एक यूजर ने लिखा, चुनाव होता तो मंत्री जी लेटे होते, जीत गए तो जनता लेटी, लोकतंत्र सिर्फ चुनाव तक सीमित हो गया है। एक और यूजर ने लिखा, फरियादी मरे या जिंदा रहे वो तो 5 साल के लिए मंत्री बन ही गए। ये वीडियो वाकई हर किसी के अंदर नाराजगी पैदा कर रहा है। आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए और फिर इस पूरी खबर पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए। कुछ नहीं बोले हैं, तीन डिसमिल का पक्का है, हमारा नाम तो है और कब्जा नहीं थी दे रहा है। लखपाल साहब, पंकज साहब, SDM साहब बोल रहे हैं कि पक्का खारिज करने में। अभी कहाँ आए थे? यही है मंत्री साहब से मिलने के लिए। क्या हुआ है? मिल गया, नहीं मिल पाया। धक्का मंत्री साहब का धक्का था। क्या होगा, गिर गए थे? हाँ। सुनवाई हुई है? नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? सतुर्दन। कौन मंत्री आए थे? जनक अपना जल मंत्री आए थे।